दिव्या तिवारी हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं मुख्यमंत्री में आप सभी का स्वागत है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान की कमान संभाली है और गहलोत हमेशा से ही प्रदेश के विकास में जुटे रहते हैं और किस तरह जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले हमेशा इसकी कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री के कुछ पुराने भाषणों का जिक्र करेंगे जिसमें गहलोत जनता को कोई ना कोई संदेश देते नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और अब आइए सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 14 मार्च 2010 के भाषण की। 14 मार्च को गहलोत ने पूर्व विधायक संघ के सम्मेलन को संबोधित किया था। गहलोत ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा था आपको भी सुनवाते हैं। राष्ट्रीय संगठन बनाना वास्तव में बड़ा काम होता, जो जब तक आप अपना समर्पित नहीं करो इस काम के लिए तब तक संभव नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पर संघ बना, राज्यों में संघ बन चुके हैं और जो पूर्व वक्ताओं ने भावना व्यक्त की है, चाहे घनश्याम तिवारी साहब ने, पंडित जी ने, शेखावत साहब ने, कमला जी ने, पाड़े जी ने, वही भावना हम सबकी है। कैसे आपका जीवन जो समर्पित हुआ है समाज सेवा के लिए राजनीति के माध्यम से, पिछली बार मैंने कहा था चुनाव जीतना एक चांस की बात है, कई बार चुनाव जीतते कई बार चुनाव में कामयाब नहीं हो पाते, उससे कोई निराश नहीं हो सकता है। अगर हमारे जिंदगी का कमिटमेंट यही है कि हमें सेवा करनी प्रदेश की, प्रदेशवासियों की, तो स्वतः ही फिर भाव पैदा होते हैं और अपने खुद के लिए भी, खुद के स्वास्थ्य के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी, समाज के लिए भी जरूरी है कि हम लोग सक्रिय रहें। और सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो संघ बनते हैं जिसमें सबकी भावना एक सी होती है, और ये तो आप हैं जो मंच प्रदान कर रहे हैं, कम से कम सब राजनीतिक पार्टी के लोग इस संघ आके बैठते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। तिवारी साहब ने पुरानी परंपरा बताई, आप लोग कई बुजुर्ग बैठे हुए, आपको ही मालूम है कि सुखाड़े साहब से लगा करके अभी तक चर्चा चलती रहती थी कि पक्ष में विपक्ष में कोई भी हो, शेखाव साहब लंबे समय तक इस सदन में रहे थे, पर वास्तव में ये राजस्थान की परंपरा रही है कि यहाँ पर कटुता नहीं रहती आपस में, चाहे हम हाउस के अंदर या पब्लिक में कुछ भी बात करें, अपनी विचारधारा के आधार पर बात करें, आलोचना भी करते हैं, उसके बावजूद भी कभी भी मिलने जुलने पर या व्यक्ति से कोई किसी से कोई ना तो घृणा करता ना कटुता रखता, ये हमारी परंपरा रही है। जो प्रतिपादित करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो शेखाव साहब हो, पंडित जी हो, या कमला जी या पाड़े जी, ये उस जमाने के लोग हैं। सुवर्ण साहब नहीं रहे पर जोशी जी थे या माधु साहब थे, जो भी थे सब ने अपने तरीके से प्रयास किया कैसे राजस्थान में परंपरा बनी रहे। घनश्याम तिवारी जी ने जो बात कही, मैं तो ये कह सकता हूँ कि तिवारी साहब आप निश्चिंत रहो, अभी आप कम से कम विपक्ष नेता बनना है तो तय करो, हमें तो हाउस के अंदर तकलीफ होती है, हम किससे बात करें, आपसे बात करें तो आपके साथी लोग कहेंगे गुरु को देखेंगे पता नहीं किसको सपोर्ट कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा आरोप लगा देंगे आपके ऊपर, आपको हो सकता है चांस मारा जाए, इतने हम तो दूर रहते हैं कि हमारे कारण आपको नुकसान नहीं हो जाएगा हाउस का। बाकी परंपरा राजस्थान की वही रहेगी, आप निश्चिंत रहें, और मैं समझता हूँ कि वही परंपरा कायम रहनी चाहिए आगे भी, ये हमारा विश्वास रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिंदगी समर्पित करना कोई मामूली बात नहीं है। शेखाव साहब ने बहुत लंबी इनिंग करी, 52 से जो MLA बन जाते हैं, सुमिता सिंह जी, कमला जी, इतने उस जमाने में आप कल्पना कर सकते हैं कि किस रूप में चलते 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 इतना लंबा सफ़र किया। और मैं समझता हूँ कि वास्तव में चुनाव में हमने देखा है कई बार हार होती है जीत होती रहती है, परंतु आप निश्चिंत हैं, हम लोग चाहेंगे कि जो समस्या राजस्थान की भी है उस पर भी आपने
आगे बढ़ करके कहा है कि हम लोग विज्ञापन में लिखा गया उसमें भी लिखा है कि हम उसमें सहयोग करना चाहेंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि समस्या तो अकाल छोके की भी रहती है, समस्या जैसे आपने लिखा इंटरेस्ट रेट के मामले भी रहते हैं, पानी की समस्या चैलेंज के रूप में पूरे प्रदेश के सामने, पीडीएफ सिस्टम अपना आप में चुनौती है राजस्थान के अंदर। बजट पेश करते हुए हमने प्रयास किया किस प्रकार से राजस्थान के लोगों तक सर्विस पहुंचे, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरी है दूसरे राज्यों से। यहाँ पर प्रति इकाई सर्विस पहुंचाने के लिए, क्योंकि गाँव की दूरियाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए कॉस्ट ज़्यादा आती है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा है। पानी पहुँचाना हो किसी गाँव में, लोग ढाने में भर के गाँव भी कई नाम अतर रहते हैं, बिजली पहुँचाना हो, पानी पहुँचाना हो, पानी के टैंकर भेजना हो, तो हमारे यहाँ कॉस्ट ज़्यादा आती है, कोई पानी है नहीं। चिंता का विषय बना हुआ है सबके सामने, इसलिए मैं तो आपसे आह्वान करना चाहूँगा अगर आप लोग मिल कर के, तो ठीक है मीटिंग हुई तब तो आप राजस्थान भर से आए हैं, पर अगर आपका सचिवालय भी जिस रूप में हमें लिया है उसमें बकायदा जिनकी रुचि हो जो समय दे सकते हैं, सचिवालय लाइव रहे, उसमें आप लोग कुछ सोचिए कि जो ऐसी समस्या है जो कि MLA बने बात तो कर नहीं पाते, हम लोग बार बार कहते पानी का जल स्तर इतना नीचे जा रहा है ज़मीन के अंदर, कि आप कुछ भी कर लो उसके बाद में भी आप डाक जोन बनते जा रहे हैं, बिजली करने हम देते जा रहे हैं। हर गवर्नमेंट ने प्रयास कर लिए पर फिर भी कोई आगे आकर के, पिछली गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया उस सेलेक्ट कमेटी दे दिया गया, वहाँ पर पेंडिंग है। पर ये चिंता का विषय है कि आज पानी नहीं होगा तो होगा क्या राजस्थान के अंदर, चुनौती है। USA की जो एजेंसी NASA की है उसने स्टडी की, उसने कहा राजस्थान दिल्ली पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा पानी। तो ये तमाम समस्या हमारे सामने है, अभी वक्त नहीं है कि इन बातों पे हम लोग लंबी बात करें, पर मैं आप चाहूँगा स्वयं कि आप निश्चिंत रहें, जो भी हमारा सहयोग होगा वो हम लोग आपसे बराबर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो आपके सुझाव होंगे वो आप अगर अपने सचिवालय के माध्यम से देंगे तो ज़्यादा और ढंग से काम हो पाएगा। ये संभावना आपके लिए भी संभव नहीं है कि आप विभिन्न समय पर कोई समस्या या कोई सुझाव दें, अगर अपने सचिवालय बना करके आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि और अच्छे ढंग से काम होगा, और हम चाहेंगे कि संपर्क में रह करके जो भी जो आपके सुझाव हैं उस पर सरकार क्या रवैया अख्तियार करती है, किस प्रकार से उन सुझावों को फॉलो करके काम आगे बढ़ता है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत कीमती सुझाव आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कोई लंबी बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि सरकार साहब भी आगे ही बहुत बड़ी बात है, आना उनका मैं समझता हूँ कि इस बात का द्योतक है कि जिंदगी निभाई है हमारे सबके साथ में। स्वास्थ्य कैसा भी रहा हो पर फिर भी उनके दिल के अंदर तमन्ना रहती है कि मैं कुछ राजस्थान के लिए करूं, और यही भावना हमारे अन्य मानवाओं की भी है। फिर जब भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा 2-3 महीने से, तब भी इनकी विल पावर देखिए आप, कि आपके बीच में भी सुन करके पूर्व विधायकों के नाम से सम्मान हो रहा है तभी आना स्वीकार किया, मैं समझता हूँ ये अपना आप में कमिटमेंट बताता है, प्रतिबद्धता बताती है किस प्रकार की प्रतिबद्धता इनकी जिंदगी में रही है। और अब बात 20 जनवरी 2010 के भाषण की करते हैं। जयपुर में ओपन गार्डन थिएटर के शिलान्यास समारोह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया था। अपने संबोधन में गहलोत ने क्या कहा था आप भी सुनिए। एक नई सौगात मिली है जयपुर को, नए कंसेप्ट के साथ में इस गार्डन थिएटर का आज शुभारंभ हुआ। आप सबकी उपस्थिति के अंदर मैं इसके लिए तमाम हमारे धारीवाल साहब को, तमाम इनके विभाग के अधिकारियों को, JDC कमिश्नर को, संधु साहब को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको भी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सरकार का गठन होते ही हम लोगों ने जो संकल्प व्यक्त किया है किस प्रकार से जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा मिले, ये काम आसान नहीं होता है। कुछ काम हमने शुरू किए हैं,
कोई योजनाएं और बनेगी धीरे धीरे, स्थिति ऐसी बनेगी जिससे कि आने वाले वर्षों के अंदर जयपुर की पहचान जो आज पूरे देश के अंदर है, दुनिया में है, राजस्थान की भी है, जयपुर की भी है, पर्यटन की दृष्टि से भी है, विरासत की दृष्टि से भी है। आज दुनिया भर के जो पर्यटक आते हैं देश के अंदर, अधिकांश वो राजस्थान में और जयपुर में आना पसंद करते हैं। जयपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि कैसे हम लोग यहाँ पर विकास के नए आयाम कायम कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता के सहयोग से ये सब संभव होगा जो हम लोगों ने कल्पना की है, जो हम लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि सरकार ने पिछली बार भी यहाँ पर काफ़ी आरओबी बनाए थे, और भी बनाए थे, अंडरपास बनाए थे, जिसका जिक्र धारीवाल साहब ने किया। और मैं समझता हूँ कि पहली बार लगने लगा जयपुर वासियों को भी कि जयपुर का क्या महत्व है। सड़कें चौड़ी हुई, जवाहरलाल नेहरू मार्ग शानदार बन सका, अवैध निर्माण हटाए गए, जैसे मैंने अभी 3 दिन पहले भी कहा था, बरामदे खाली किए गए, और उसका लाभ पूरे जयपुर वासियों को मिला। मैं समझता हूँ कि अब जो नए काम हाथ में लिए गए हैं उसके लिए भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। घाट की गोने की योजना बड़ी योजना है, जल महल की योजना पहले से दी हुई है, वो काम जल्दी पूरा हो ये प्रयास रहेगा। जो लगातार सुझाव आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं कैसे उनको हम लोग पूरा कर सकें। इस प्रकार से जयपुर साफ सुथरा शहर भी रहे। हम कोई थिएटर बना देंगे, बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, और भी बन जाएगा, वो आधारभूत ढांचा मजबूत बने, ये हमारा सबका प्रयास है। तो साथ साथ में जब तक जयपुर के शहर के बाहर भी शहर के अंदर भी जब तक गंदगी रहेगी, एनक्रोचमेंट होते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि तब तक कोई वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बन सकता है। और वो काम तमाम सबके सहयोग से संभव है। नगर निगम है, JDA है, वो अपना काम करें, पर जन सहयोग भी आवश्यक है। अगर कोई शहर में गंदगी देखे कोई आकर के बाहर का पर्यटक, चाहे वो देश का हो और चाहे दुनिया का हो, तो शहर के बारे में जो उसकी राय बनती है वो अच्छी नहीं बनती है। किसी शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाए, थिएटर बन जाए, मल्टीप्लेक्स बन जाए, मॉल बन जाए, सब कुछ बन जाए, अगर शहर का संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, जिस प्रकार वो महत्व रखती है, उसी प्रकार शहर की कैसे सीवरेज सिस्टम है, किस प्रकार की साफ सफाई है, किससे सड़कों पे कोई अवैध निर्माण नहीं है, सड़कें चौड़ी है, ट्रैफिक जाम नहीं होते हैं, ये छोटी छोटी बातें भी वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए जरूरी होगी। इसलिए मैं आपके इस मुबारक मौके पर, इस मंच के माध्यम से, मैं तो आह्वान करना चाहूँगा जयपुर वासियों को भी कि सब लोग आगे आ करके सरकार का सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें, JDA का सहयोग करें, और माहौल ऐसा बनाए जिससे कि शहर की सफाई व्यवस्था सुधर सके। खाली सरकार के प्रयास ही संभव नहीं होता है। आम नागरिक खुद ही अगर कब्जे करते जाएंगे, बरामदे खाली कराए वहाँ पर कब्जे हो जाएंगे, गलियों की स्थिति क्या है वो आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ज़्यादा आप जाते रहते हैं। आज हर घर में 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 3 गाड़ी हो गई है, तो कितना ट्रैफिक जाम होने लग गया। जयपुर से जगह में भी आज ट्रैफिक जाम है। अभी मैं 2 बार निकला बिना इतला दिए हुए निकला रात के वक्त में, जानबूझ करके, मुझे मालूम तो पड़े कि वास्तव में जनता कितना कष्ट पा रही है। हम लोग जब निकलते हैं तो कंट्रोल रूम के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से सूचना मिलती है, मुख्यमंत्री महोदय निकल रहे हैं तो ट्रैफिक रोक देते हैं, हमें तो मालूम पड़ता ही नहीं। हम तो जब आपको लगता पौन घंटा, हमें लगता 10 मिनट। तो ये तमाम बातें जुड़ी हुई होती है वर्ल्ड क्लास सिटी से भी।
ये तमाम बातें ठीक नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्लास सिटी की बात हम करते जाएंगे, पर वर्ल्ड क्लास सिटी का स्वरूप जो निखरना चाहिए वो कभी निखर नहीं पाएगा। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा तमाम बातें जो है, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे जयपुर की, कहाँ का वन वे ट्रैफिक होना चाहिए वो वन वे ट्रैफिक हो, कहाँ का ट्रैफिक गाड़ी अलाउ नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया के मुल्कों की हम तारीफ करते हैं, विकसित राष्ट्रों की तारीफ करते हैं, आप मेरे कुछ लोग गए भी होंगे दुनिया के मुल्कों के अंदर, देखा होगा वहाँ पर आपको, कोई टूरिस्ट के रूप में जाता है या वहाँ का नागरिक भी है तो उसको 10-12 किलोमीटर घूमना पड़ता है पैदल जा कर के, तब जाकर के वो वहाँ के साइट सीइंग कर सकता है, देख सकता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है पहले जाने से। हम देखते हैं कि यहाँ पर तो जौहरी बाजार के अंदर भी, चौड़ा रास्ता के अंदर भी, सांगानारी गेट के अंदर भी, कोई नहीं चाहता कि मैं बिना कार जाऊँ, पर जनता सेव नहीं करेगी, सरकार कोई रोकने का प्रयास करेगी लोगों को बुरा लगेगा। तो आम जनता में जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं उनको आगे आगे सुझाव देना चाहिए कैसे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे, किस प्रकार से हम लोग गाड़ी पार करें। जहाँ भी दादीवाली बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने कल जो निर्णय किया है, अब रास्ता खुल गया है कि आप मल्टी लेवल का भी बना सकते हैं कार पार्किंग। पहले पिछली गवर्नमेंट वक्त में हमने कल्पना की थी इसी रामनाथ पार्क के अंदर कि मल्टी लेवल का बन जाए, कार पार्किंग बन जाए, वो संभव नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे हो गया। आज अगर कारें जंग से पार्किंग होने लग जाए, कई रास्ते ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर हम पैदल जाएँ, बाहर का टूरिस्ट आता है उसको अच्छा लगता है, पिंक सिटी विरासत अपने आप में मजबूत यहाँ की, वो जाए और जाकर के घूमे पैदल, गलियों में जाएगा, यहाँ का स्थापत्य कला देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, यहाँ का हुनर देखेगा, चाहे मूर्ति कला है चाहे अन्य कलाएँ हैं जयपुर शहर की, उसको अच्छा लगेगा कि मैं किसी ऐसे शहर में जाके आया हूँ। और अब आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 18 फरवरी 2010 का भाषण दिखाते हैं जो कि सीएम गहलोत ने जयपुर में आयोजित ई गवर्नेंस के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। इस दौरान गहलोत ने क्या कुछ कहा था आप भी सुनिए। सारी बातें आपको बताई, संगोष्ठी का विषय बहुत शानदार है, नागरिकों की नज़र में ई गवर्नेंस जो सबसे टच करने वाला विषय है। हम कितनी भी प्रगति कर लें देश में, दुनिया में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, टेलीकम्युनिकेशन में, आईटी क्षेत्र में, उसका लाभ अगर आम आदमी तक नहीं पहुंच सके, गांव तक नहीं पहुंच सके, गरीब तक नहीं पहुंच सके, तो उसका लाभ पूरी तरह कभी मुल्क को मिल नहीं सकता। और ये थीम जो रखी गई है नागरिकों की नज़र में क्या है ई गवर्नेंस, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में प्रत्येक नागरिक को संदेश देने वाली साबित होगी। 2 दिन आप बैठेंगे संगोष्ठी में, चर्चाएँ करेंगे, उसमें कई संदेश जाएंगे, विचार विमर्श की नई बातें सामने आएगी, और एक आम नागरिक को लगेगा कि जो कुछ भी संभव है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, आईटी में जो क्रांति हुई उसके माध्यम से उसका लाभ हमें कैसे मिल सकेगा। उसकी शुरुआत तो वैसे देश में हो चुकी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी में मुल्क को ले जाने का। उस वक्त कई लोगों ने आलोचना भी करी थी राजीव गांधी जी की भी कि स्वतः ही जाएगा मुल्क 21st सेंचुरी में, राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, उनका मकसद वही था जो बाद में वो तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, और आज लोहा मान गई पूरी दुनिया के मुल्क की उनकी दूरदृष्टि थी। इस देश का नागरिक समझ गया कि वास्तव में जब पहली बार एक्सचेंज आए, इलेक्ट्रिक एक्सचेंज आए टेलीफोन के अंदर, उसके पहले के हालात थे, हम लोग 2-4 दिन बात नहीं कर पाते थे दिल्ली और बॉम्बे के अंदर। टेलीफोन की नई तकनीकी आई, एसटी बूथ लगे गली गली के अंदर, मोबाइल फोन आए, कंप्यूटर आ गए घर घर के अंदर, इंटरनेट ईमेल की सुविधा मिल गई पूरे देशवासियों को, और हर खेत में काम करने वाली महिला भी है, दिल्ली में मजदूर भी काम करता है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है।
उसको भी एहसास हुआ 21st सेंचुरी के मायने ये थे कि समय रहते हुए जो 15 साल हमारे पास बचे हुए हैं 85 में, जब उन्होंने कहा था पहली बार राजीव गांधी ने कि 15 साल में हमें इस प्रकार तैयारी करनी चाहिए जिससे कि जब हम 21st सेंचुरी में प्रवेश करें तब हम भी इस रूप में विकसित राष्ट्रों के समकक्ष आके खड़े होने का प्रयास करें, इतना बड़ा गैप नहीं हो जाए कि हम लोग 21st सेंचुरी में भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सके, ये उनकी सोच थी। और मैं कहते हूँ गर्व है कि आज जिस प्रकार उनके फैसले थे, मिशन मोड के थे या IT सेक्टर के थे, सेम्पिडर की तरह के जो बुलाए गए जो हमारे अपने देशवासी थे, NRI थे, एक माहौल बनाया गया, उसका लाभ पूरे मुल्क ने देखा और आज देख रहे हैं। मेरी दृष्टि में इस संगोष्ठी के माने राजस्थान में मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं पहले बार मुख्यमंत्री था 8 साल पहले भी, तब भी इसी प्रकार की कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर की ई गवर्नेंस पे यहाँ पर हुई थी। आज दोबारा यहाँ पर हो रही, इसलिए मैं पृथ्वीराज चौहान साहब को, इनके विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। और मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान जैसा राज्य जो देश के अंदर भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन चुका है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में, यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो एरिया है इतना लंबा चौड़ा है, हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है, सर्विस प्रोवाइड होती है गाँव के अंदर, ठाणे में लोग बैठे हुए दूर दराज में, उसकी कॉस्ट अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ पर एजुकेशन की बात करें, वहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, वहाँ प्रशिक्षण देने की बात करें, वहाँ के व्यक्ति चल के आएगा जिला मुख्यालय पर, संभाग के मुख्यालय पर, तो उसको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। उस राज्य के लोगों के लिए तो ये वरदान साबित होगी IT और आपका संदेश जो यहाँ से जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं IT सेक्टर की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का भी इसके साथ में गहरा रिश्ता है। और आज सुबह ही हमें स्पेस डिपार्टमेंट के माध्यम से MOU साइन हुआ है राजस्थान के अंदर, अब हमारी तमाम पंचायत समिति जुड़ने जा रही है, इससे हम लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर टेली मेडिसिन की सुविधा है की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, विभिन्न डिपार्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने की बात करें, तो आसानी से मिल सकती है। इस प्रकार की सोच के साथ में मैं समझता हूँ कि जो शुरुआत पूरे देश में हुई है, मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी जो नई शुरुआत करी है टैलेंट सर्च की स्टूडेंट्स के अंदर, जिसका प्रोग्राम भी आज सुबह सम्पन्न हुआ, जो चौहान साहब ने करीब 17 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप रिवार्ड के रूप में 35,000 बच्चों को बांटने का आज फैसला नहीं किया बल्कि आज शुरुआत कर दी उसकी, और करीब 100 बच्चों को आज मिल भी चुकी है। इस प्रकार से जो विज्ञान में, तकनीकी के अंदर, IT में, कम्युनिकेशन में जो UP गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर बने हैं, इसका लाभ आने वाले वक्त में और बड़े रूप में देखने को मिलेगा। और हमारी गवर्नमेंट ने भी IT सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, हमारा राजकोट और IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का IUC श्रेणी में आ चुका है। पिछले बजट में मैंने खुद ने, जैसा मेरे पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि 3% हर विभाग के अंदर हमने IT सेक्टर में खर्च करने के लिए रखा, ये पहली बार होगा देश के अंदर। एक माहौल बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर व्यक्ति को IT के महत्व का एहसास इस रूप में हो कि खाली मुझे सीखने में हो सकता है तकलीफ आ रही होगी, मेरा माइंडसेट नहीं बदल रहा होगा, अगर मैं सीखूंगा तो उसका लाभ कैसे मिलेगा आम जनता को। IT को हमें अपनाना पड़ेगा, IT के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग लाभ पहुंचाएं आम आदमी को, उस दिशा में जाना पड़ेगा हम लोगों को। हमने ई मित्र योजना शुरू की थी 7 साल 8 साल पहले,
राजस्थान के अंदर, और अब तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद में तो पिछली गवर्नमेंट वक्त में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी हुई और काफ़ी जगह पर हमारे क्योस्क लगे हैं, काफ़ी जगह पर कंप्यूटर को सीखने के प्रशिक्षण केंद्र बने हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान इस दिशा में इस तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। अभी आपने लहर शो के माध्यम से उसी जगह देखी, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की शुभकामनाओं से, आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में हमारे सरकार का विभाग और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो